हम उठ चुके हैं अभी अभी सुबह सुबह 4 बज चुका है और इधर ही सोए थे हम और दोनों भाई मिल गए मुझे। रात को मैं इधर ठहरा था ना, उधर ही दोनों भाई मिल गए। अब इधर से मुख सुख धोएंगे, इधर से फटाफट टाइम निकलेंगे, उधर जितना तक टाइम सकते हैं उतना चलाएंगे आज, नहीं तो कल पुएंगे लखनऊ। धीरे धीरे जाना पड़ेगा, एक दिन एक ही तो कोई नहीं कर सकता ना, इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, मुख सुख धोते हैं उधर मिल गए तो मैं मुसू दोस्तों धो के सब मैं रेडी हो चुका हूँ और सामान इधर हमारा पड़ा है और मेरा बैग उधर है और भाई एक भाई वॉशरूम गए, एक भाई इधर है ना। ये भी बहुत छोटे छोटे यूजर है इसलिए बोल रहा हूँ नेपाली को, है ना। नेपाल से जो भी देख रहे हैं ना सब वो लोग सब्सक्राइब कर देना, मैं उसको मेंशन करूँगा दोनों को, सब्सक्राइब करके फटाक से 300-400 होगा, फटाक से 500-600 कर देना मेरा जैसा, क्योंकि उधर बंगाली है ना वो, तो उन्हें मैंने रास्ता में भेटा था कल, पर बहुत अच्छे वो, क्योंकि मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था ना, फिर भी वो मुझे खाने के लिए दिए, है ना, खाने के लिए दिए, बसने सोने के लिए उन्हें इंतजाम किया, क्योंकि क्योंकि है ना। आप इधर है हमारा साइकिल, ये बीच का उसका है, उसका भाई का है और ये मेरा साइकिल है। ये हमारा नेपाल का झंडा ऐसे ही बैठ रहा है, पर वो छोटे छोटे यूजर है ना, सब लोग मिल के फटाक से सपोर्ट कर देना नेपाल से, है ना। वो बहुत अच्छे है, दूसरे जैसे नहीं है, क्योंकि कल हमारा इंटरव्यू हुआ था, रास्ते में मिल गए थे एक न्यूज करते हैं ना, वही भैया मिल गए थे, इंटरव्यू लिया था और सोचे पूछे थे मुझे किधर से आए हो, क्या है ऐसा, उसे क्या है उद्देश्य, क्यों जा रहे हो, ऐसे उससे सोच रहे सब मैंने बता दिया होगा। किसी ने तो देखा होगा, किसी ने नहीं देखा होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट से सब कुछ होता है ना, इसलिए सब नेपाली मिट के फटाक से आज तो 1K सब्सक्राइबर चाहिए चाहिए। ठीक है, चलो इधर से फटाफट निकले थे, साउंड से कॉपीराइट लग जाएगा ना, इसलिए बोल रहा हूँ फटाक से इधर निकले और ऊपर जाके मिल जाते। भाई का टायर पंचर हो चुका है और हमारा पीछे साइकिल और सामने भी एक है, टायर पंचर हो चुका है क्योंकि इधर इधर बहुत शीशे कीड़े किले वाला हो ना, इसलिए ये पंचर हो चुके है, हवा सब निकल चुका है इधर। अब हम इधर पंचर के लिए हम साइकिल पसल ढूंढना पड़ेगा ना, साइकिल पसल ढूंढना है, पर सब बोल रहे ऊपर है, ऊपर है, जा नहीं तो जा रहे। ठीक है, अभी सामने जाते हैं, हम निकल चुके हैं, हम 10 किलोमीटर दूर आ चुके हैं, हम जिधर बैठे थे ना उधर से, अब फटाफट चलेंगे इधर से, जिधर जाएंगे उधर जाके बनाएंगे ना, कभी उधर ही जा। हम पानी पीने के लिए इधर रुक चुके हैं, उधर उधर सूरज है ना, सूरज पानी निकल रहा है ट्यूबवेल से, पानी पियेंगे इधर पंचर है ना, पंचर डालने का सामान नहीं है हमारे पास, पंचर के लिए जुगाड़ नहीं है, इसलिए बहुत तकलीफ हो रहा है, पर कोई बात नहीं है, अब 2 किलोमीटर जाएंगे तो एक दुकान मिल जाएगा, वही बोल रहे थे। पंचर का दुकान मिल गया है हमें, अब हम ये पंचर ठीक करेंगे और इधर से पारी भैया है ना एक, और इधर पंचर ठीक करने वाला, इधर सब मिल गए, हम पंचर सेंटर ठीक करेंगे और इधर से 3 मिनट जाएंगे हम, ज़्यादा नहीं 10 किलोमीटर आ चुके हैं, इधर कल बैठे थे ना उधर से 10 किलोमीटर इधर आ चुके हैं, अब इधर से ज़्यादा नहीं है 10 किलोमीटर दूर, वही पीछी वही कहीं है। ठीक है, सबको सब बहुत अच्छे होंगे, सब सपोर्ट करना है, नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब कर, तो नहीं पहुँचेंगे हम। सो पंचर वंचर सब ठीक ठाक हो चुके हैं और ये राजीव का साइकिल, कौन है राजीव, हाँ ये सूरज निकल गया, तो मुझे स्पॉन्सर मिला था, ये स्पॉन्सर मिला है, ये टेप भी मुझे फ्री में दिया है एक भैया ने, बहुत शुक्रिया उसके लिए। निकल रहे हैं हम लोग, अब सामने उधर जाएंगे और उधर जाके घूमेंगे। एक बात में नेपाली में बोल रहे हो, ठीक है सुन ला, एउटा कुरा चाहिँ यस्तो रहेछ कि नेपालीको भ्यालु हुन्न होइन, किन भन्दाखेरि कहाँनिर आएर मलाई यस्तो थाहा पाऊ भन्दाखेरि, अब हिन्दीमा बोलेपछि बुझ्छ नि त तिनीहरू, तिनीहरू पनि छ त दुइटा, बुझ्यो नि त कहाँनिर आएर भ्यालु थाहा भयो, कस्तो नेपालीको इम्पोर्टेन्ट रहन्छ, नेपाली राम्रो हुन्न कहाँनिर आएर भनेकोले, जैसे कि मसँग त सिम छैन नि त नि इन्डियन,
अनि विदाउट मनी के अब कसैले हेल्प नि गर्दैन यहाँ नेपालीले हैन, त्यही भएर भिडियो एउटा हाल्छु मैले भनेर भनेको थिएँ, दियो 400 MB को गयो, 500 MB को गयो होइन, त्योपछि केही पनि नसोधिकन बन्द गरिदियो, तर केही मतलब छैन होइन, केही मतलब छैन, धीरे धीरे। अनि अर्को कुरा, तिनीहरू मसँगै थिए नि त, एक्लै छोडेर गइदिए, जा चुके, केही छैन, बिस्तारै जाउँला अब, किनकि भिडियो हेर्छ नि तिनीहरूले, तेरो बुझ्छ त्यसैले भन्दैछु होइन, नबुझिकन भन्दैछु, व्यवहार चाहिँ देखाउँदो रहेछ तर मतलब छैन होइन, किनकि एक्लै आयो नि त होइन, ठिकै छ, केही छैन, हामी यस्तै हो नि त, सो वही ये बात वही बताने जा रहा था आज से होइन, अब इधर रेस्ट करने के लिए मैं बैठ रहा हूँ, क्योंकि मेरा कमर है ना बहुत दर्द करता है ना, इसलिए बहुत रेस्ट चाहिए ना मुझे, यह 60 किलोमीटर तो नहीं सकता ना, इधर से 60 किलोमीटर है गोपी गोखल क्या गोपी है वही, इधर से 60 किलोमीटर है, और इधर से उधर लखनऊ इधर से 400 कितना बोलते 450 किलोमीटर दूर है, कोई बात नहीं है, धीरे धीरे जाएंगे, रात में भी चलाएंगे है ना, अब वो लोग ने मुझे वेट किया तो ठीक है, नहीं किया तो मैं वही करूँगा, ठीक है, रात को भी धीरे धीरे चलाऊँगा, कोई बात नहीं है, हाथ में वो ऐसे जैसे कि धीरे धीरे के करके जाऊँगा, वो लोग रोके है तो ठीक है, नहीं तो नहीं, अगड़ी भी छोड़े गए थे अलग भी ये भाई ठीक से कहीं छेना, कोई बात नहीं है, धीरे धीरे जाएंगे, और मेरे पास सिम नहीं है ना, इसलिए कॉल है ना, वीडियो नहीं आया था, इसलिए माफ़ कर देना, नहीं नहीं कॉल नहीं, एक दिन पहले वीडियो नहीं आया था, इसलिए माफ़ कर देना, क्योंकि सिम होता तो वीडियो आता ना, इसलिए सिम नहीं है ना, इधर नेपाल का कुछ भी वैल्यू नहीं है, और बहुत बहुत सम पता है मुझे, अब धीरे धीरे चलते इधर से, मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो नहीं, ठीक है, चलो उठ से फटाफट और जाते, मैं इधर आ गया और 2-4 भाई लोग इधर मिल गए, आपको पता ही होगा क्योंकि मुझे इधर इंडिया में आतंकवादी बोल दिए, कल तो जाना है ना इधर से, केदारनाथ चलना जाना था ना, इसलिए इधर से आतंकवादी बोल दिया तो कल जाना है, कल के टाइम है, कल हम सुबह ही निकलेंगे, इधर जो 2-4 भाई लोग मिले थे साइकिल चला रहे, वो साइकिल चलाने के दे दे और इधर रेस्ट करके और जाके कल सुबह ही मिलते हैं। सो भाई लोग, मैं इधर ही सोया था, इधर है ना, इधर ही बेल्ट पर सोया था, आप लोगों को पता ही होगा मुझे कल पुलिस ने है ना आतंकवादी के एक दिन फोन दिया था, क्योंकि नेपाल का फ्लैग था ना मेरे पास, इसलिए आतंकवादी या वो बोल दिया, पर कोई बात नहीं है, है ना, इधर से केदारनाथ जाने के लिए नहीं सकता मैं, क्योंकि मुझे आज ही एक ही दिन का टाइम दिया है, जाने खोज रहा था पर कोई बात नहीं है, आतंकवादी है ना जाने के लिए खोज रहा था पर आतंकवादी के दिया तो क्या कर सकते हैं, इधर इंडिया में वांटेड में हूँ मैं, आज की अंतिम दिन, क्योंकि 15 तारीख में इधर इंडिया में बहुत बढ़िया हो क्या होता है मुझे पता नहीं ना, इसलिए बहुत कड़ा हो रहा है इधर, सब आतंकवादी बोल दिया, आधार कार्ड सब कुछ दिखाया अभी फिर भी आतंकवादी बोल दिया, कोई बात नहीं है, अब इधर से मैं नेपाल आ रहा हूँ, और मेरा सपना था ना वो केदारनाथ जाऊँगा, नेपाल का दूसरा बंदा के लाऊँगा, वही सोच था ना, वो सोच अधूरा ही रहेगा क्योंकि पुलिस ने ही ऐसे बोल दिया तो हम क्या कर सकते हैं, तू जाएगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं, एक रात है ना, एक रात मुझे थाना में डाल दिया, पर बहुत दुख लगा, कोई बात नहीं है, बहुत दुख लगा कि मैं रात भर रो के बैठा, इसलिए ये है ना, ये पूरा मोटा मोटा हो रहा है ना, मोटा मोटा हो रहा है, उतना दूर से आया हूँ, पैदल पर भी घाव हुए है ना, साइकिल भी नहीं चला सकता, अब इधर से कोई से हेल्प मांगे, और इधर से रेल की पटरी ना, रेल की पटरी से जाऊंगा, क्योंकि रेल में सस्ते पड़ते हैं ना भाड़ा, इसलिए कोई हेल्प कर देगा तो मैं उधर आ रहा हूँ नेपाल, भाई लोग गाली मत देना क्योंकि मैं तो जा रहा था ना, पुलिस का नाम तो इधर नहीं बताऊँगा, मैं इंडिया नेपाल आऊँगा ना तभी बताऊँगा पुलिस का नाम क्या है, किधर का है, सब कुछ मैं नेपाल आके बताऊँगा, पर बुरे कमेंट मत करना, तू नहीं कर सकता नहीं कर सकता बोल रहे थे सब लोग, उन्हें बोला तो सही था, फिर भी मैं आया ना मैं मेरा माँ का और बाप का बात नहीं सुन के आया ना, इसलिए ये हो रहा है ना मेरे साथ, पर बहुत बुरा लगा, इंडिया का लोग होते हैं ना कोई भी ऐसा नहीं, सब बुरा लगा मुझे,
मैंने तो कुछ भी नहीं किया था ना, फिर भी आतंकवादी बोल दिया तो बहुत बुरा लगा ना, इसलिए कोई बात नहीं, इधर सो रहे ना, अब पानी सानी खाऊंगा, इधर से जाऊंगा, 10 बजे की ट्रेन है अभी, अभी 8 बज रहे हैं ना, उधर जाके पार्सल करना पड़ेगा, इस साइकिल पार्सल करने के लिए 50 रुपये लग जाएगा, और उधर उधर ट्रेन का टिकट नहीं होगा तो कुछ भी नहीं बोलेगा उधर के, क्योंकि है ना उधर खाने के लिए देता है ना, ट्रेन का टिकट होगा तो खाने के लिए देगा, इसलिए सब लोग यही बोल रहे थे, पर फिर भी कुछ भी कोई बात नहीं है, जाएंगे धीरे धीरे ऊपर वाला है ना, आज रसूल जाएंगे, रसूल से कोई हेल्प कर देगा तो जाएंगे, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है ना, मैं विदाउट मनी आया हूँ ना, और 2 दिन हुआ है मैंने कुछ भी नहीं खाया है, मुझे कुछ भी खाने के लिए नहीं मिल रहा है, फिर भी कोई बात नहीं है, ऐसे ही रह जाता हूँ, इनर जी ना हाथ भी ऐसे नहीं उठ रहा था, हाथ भी ऐसे ऐसे करना था ना, ऐसे भी नहीं हो रहा था, क्योंकि खाने के लिए कुछ भी नहीं था ना, और नीचे साइकिल ही साइकिल पार्सल करना पड़ेगा, और इधर नेपाल आऊँगा तो सब कुछ नेपाली में बताऊँगा, इधर हिंदी मुझे अच्छे से नहीं आता है ना, इसलिए अभी मैं इधर से निकल चुका हूँ, और सामने देखिए ना गाय है ना, उधर उधर गाय है, देखिए उधर गाय देख रहे हैं ना, उधर गाय बैठ रहा है ना, कितना अच्छा लग रहा है, क्योंकि नेपाल में भी ऐसे गाय गाय होते हैं ना, इधर गोरखपुर में केदारनाथ तो नहीं पहुँच सका ना मैं, गोरखपुर तो आ गया, फिर भी एक मंदिर तो आ गया, और मैं कृष्णा का भी भक्त हो गया ना, मैं सबका भक्त था, पर मैं सब मंदिर घुस घुस के आया हूँ, जनकपुर घुस के आया हूँ, और अब ये गोरखपुर भी जाऊँगा, उधर जाके दर्शन करके आऊँगा, ठीक है, उधर देखे ना कैसे बच रहे, कितना अच्छे अच्छे क्यूट क्यूट है ना, उधर का गाय के बछवाड़ा, यानी कि गाय के बच्चे बहुत अच्छे है, और इधर का बैनर भी मैं सब कुछ बता रहा हूँ, इधर का बैनर था ना, ये बैनर भी ऐसे ऐसे करके सब निकाल दिया, और मेरा फ्लैग है ना, फ्लैग भी तोड़ के ऐसे कड़क कुड़क करके इधर बैक पर है, उन्हें पुलिस वाले ने तोड़ दिया सब कुछ, और ये सीट कवर भी मुझे स्पॉन्सर मिला था, भाई लोग ने बहुत सोचा था मैं जाऊँगा ये जाएगा, ये सोच के बहुत हेल्प किया था, पर क्या बोले अफसोस, इधर का लोग अच्छे नहीं है ना, इसलिए सब कुछ मैं जब बॉर्डर कटूँगा तभी बताऊँगा, अभी तो कुछ भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि वो लोग मिले तो वीडियो शीडियो देखेंगे, मेरा गोप्रो पर था, उन्होंने क्या क्या बोला सब कुछ था, फिर भी उन्हें गोप्रो है ना, गोप्रो से डिलीट सब कुछ कर दिया, इसलिए बहुत दुख लग रहा है, क्योंकि वॉइस भी नहीं है, नहीं तो मैं आप लोगों को सुना सका था ना, सब था रिकॉर्ड, क्योंकि हेलमेट है ना, हेलमेट ऊपर लगा के बैठा था, और गोप्रो था उधर सब कुछ सुन रहा था, फिर भी तुम्हारा कैमरा हो नहीं, कैमरा लियो ऐसे ऐसे बोला, और मेरा कैमरा लेके वो सब डिलीट कर दिया, कोई बात नहीं है, अब गोरखनाथ भी आएगा तो कुछ भी नहीं है ना, गोरखनाथ से मैं इधर इंडिया आ रहा हूँ, नेपाल आ रहा हूँ, अब इधर से मेरा ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए फिर भी जय माता दी, इधर है ना, कितना नेपाल में तो व्हाइट व्हाइट नहीं मिलता ना, इधर बहुत व्हाइट व्हाइट वाला है गाई है, इसलिए हम जा रहे इधर अब गोरखनाथ टेम्पल ऊपर है, और मैं इधर आ रहा हूँ ना शिव जी का है, इसलिए प्रसाद तो लेना पड़ेगा, और प्रसाद में हम फूल ही ले सकते हैं, और कुछ नहीं ना फूल ही ले सकते हैं, फूल फूल ले के लाएंगे, अच्छे से जाएंगे है ना, अच्छा हो जाएगा, जय माता दी गाय भी है ना, अब इधर से निकलेंगे, इधर सामने देखेंगे बहुत दबार भाई थी साथ छोड़ते, इधर तो गए नेपाल में जैसे नहीं है, फिर भी चलते सामने और सामने जाके मिलते, आप देख सकते हैं इधर ट्रेन है ना, कल मैं आज तो ट्रेन में जाऊँगा, जैसे भी जुगाड़ करके ट्रेन होगा या पैदल ही जाऊँगा, साइकिल ट्रांसपोर्ट के लिए डाल दिया है, ज़्यादा पैसा नहीं लिया, पैसा ही फ्री करके बढ़ा दिया है ना, पैदल फ्री कर दिया है, ट्रांसपोर्ट तो रसूल हो जाएगा है ना, कल हो जाएगा, आज रसूल जाके बैठना पड़ेगा, और एक नंबर गेट किधर है पूछना पड़ेगा, एक नंबर गेट किधर है भैया, एक नंबर गेट नीचे है, एक नंबर गेट अभी नीचे है, उधर जाके डिब्बो या कुछ है ना उसमें चढ़ना पड़ेगा, फिर में जाएंगे तो बता देंगे है ना भाई, इसलिए अभी दो तीन नंबर में हो गए, ऐसे ही है रेल के पटरी, रसकुल के लिए एक था पर उधर पार्सल में लेट हो गया ना, इसलिए बहुत तकलीफ हो रहा है, 2-4 मिनट रुक जाएंगे, मिल जाए तो जाएंगे, भाई लोग इधर बड़ा इधर क्या बोलते खुला है नाला है ना, उधर मंदिर है टेंपल, हाँ उधर टेंपल है, और इधर बहुत बड़ा है, इधर में
आप लोगों को पता है होगा मैंने कितनी बार बोलना बोल रहा हूँ ना, पुलिस ने मुझे आतंकवादी से के फॉर्म है ना उधर सब थाने पर भेज दिया है ना, इसे बहुत दिक्कत हो रहा है ना, इसे मुझे नेपाल आना पड़ रहा है। अगली बार तो ज़रूर जाएंगे ना, मिल जाएगा तो जाएंगे, नहीं तो क्या बोल सकते, आतंकवादी क्या दिया है। आइसक्रीम कैसे है भैया, आइसक्रीम बर्फ कैसे है, कितना पड़ेगा, उसे सस्ता नहीं है, ये भी मेरे पास पैसा नहीं ना, वैसे ये भैया ने दिया था 10-20 रुपया, जैसे कि 100 रुपया दिया था ना, रास्ते में मिले एक नारियल खरीदा, नारियल खाने के लिए मन का है ना, इसलिए वो खरीदा है, बहुत बहुत बड़ा है इधर तो। चलो फटाफट इधर सुनौली से निकलते हैं, अभी भी 80 किलोमीटर दूर है सुनौली, फटाफट जाएंगे, कल तक पहुँच जाएंगे या आज ही पहुँचेंगे वो तो पता नहीं है, फिर भी जाना पड़ेगा, फटाफट निकलते हैं। साइकिल इधर है, ये बैनर है ना, बैनर बस से निकल दिया और मेरा फ्लैग है ना, मैं अभी नहीं बॉर्डर काटूंगा तो दिखाऊंगा, फ्लैग ब्रैक ब्रुक बाजते है ना, कड़क कुड़क करके ऐसे छोटे कर दिया है मेरा देश का, इसलिए बहुत बुरा लग रहा है। और वो उसके दोस्त एक आंटी मिल एक दीदी मिल गई थी ना, इसलिए ये लगा दिया है मुझे, कोई बात नहीं, अब धीरे धीरे निकलते हैं और सामने जाके मिल गए। अब इधर से सिंधुली है ना, सिंधुली कितना दूर पड़ता है, जैसे कि 60 किलोमीटर दूर है इधर से सिंधुली, और मैं इधर रुक चुका हूँ, और फाड़ी है ना, फाड़ी नेपाल में ब्लैक अंगूर, इधर रुक पड़े पेड़ पर है ना, इधर पेड़ पर ब्लैक अंगूर फलता है, और ये क्या है किसी को पता है तो बोल दीजिए ये क्या है, और देख सकते हो इधर कितना हरा हरा घास है यार, ये जैसे कि नेपाल के राजा है ना, राजा वो वीरेंद्र या ज्ञानेंद्र, वही दोनों में एक, जैसे कि जुआ है ना, जुआ यानी कि पत्ते खेल के ताश खेल के आ रहे थे ना इस जगह, नहीं तो ये नेपाली है, देखो एक गिर गया उधर पानी पर, हाँ जुगे पर आ रहा था रे, इसलिए ये जगह इंडिया का हो गया, वही है। अब इधर से निकलना पड़ेगा, बहुत घाम है ना इसलिए बहुत धीरे धीरे जा रहा हूँ, पर बहुत अफसोस लगा आप लोगों को बोला मैं, और आधी रास्ते में आके हर नेपाल आना पड़ा तो बहुत बुरा लगा, फिर भी कोई बात नहीं है, बाद में जाएंगे मिल जाएगा तो, है ना, इधर का लोग बहुत बुरा है, वो पुलिस वाले नहीं, इधर का इंसान ही सब पागल बोला है, ठीक है। अभी इधर से निकलते हैं धीरे धीरे और सामने जाके मिलते हैं, ठीक है। देखिए यही हमारा नेपाल है, नेपाल ये पूर्व नेपाल है, जैसे कि पहले का नेपाल है, इधर सब ये नेपाली है। फाइनली केटा मजे नेपाली आइपुगे, बस चढ़े क्योंकि किनभने मेरो खुट्टामा धेरै घाउ भइरहेको छ नि त, हिँड्नु पनि राम्रो सकेन नि त, त्यही भएर चाहिँ मैले बस चढेर चाहिँ इधर यहाँबाट काठमाडौँ जाने छु चाहिँ होइन, सो अब मैले सोचेको जस्तो भएन, बाटोमा पुलिस भेटेँ यस्तो उस्तो भयो, पुलिसको नाम के हो सबै कुरा म जब आज घर पुग्छु होला बेलुका होइन, भोलिको भ्लगमा ए वान पारामा भन्छु नाम के हो डिटेल सब कुरा भन्छु होइन, केटा त्यसका एउटाको कास्ट पटेल छ एउटाको यादव छ होइन केटा, नाम पनि अहिले म भनिदिन्छु होइन, एउटाको राम यादव छ अनि एउटाको बिपी पटेल थियो अनि त्यो चाहिँ गोरखपुरको ठ्याक्क एयरपोर्टवाला छ नि सिन हो त्यहाँनिर भएको मेरो मसँग, म चुपलाएर बाटो हिँड्ने, अरू नेपालको झन्डा पनि भाँच्दैछ, कसरी भाँच्दैछ म घर देखाइहाल्छु होइन, अनि ऊ पनि च्या दिएछ मेरो ब्यानर स्यानर सब म देखाउँछु, मैले टिपेर ल्याएछु, सो त्यही हो, अब फटाफट जाउँ, कति टाइम लाग्छ अनि न्युज एन्ड अपडेट्स आइरहन्छ होइन गाइस, सपोर्ट गर्नुहोला, यो भएन यस्तो उस्तो भनेर नराम्रो कमेन्ट नगर्नुहोला, म जान त खोजिया हो नि तर के गर्नु र होइन, आफ्नो ज्यान छ त, जस्तै कि भन्यो नि त वाचि के आयो भन्दाखेरि त जान्छस् भने ठिक छ, नत्र भेतालाई हिँ सडाइदिन्छ यस्तो उस्तो भन्नुभयो, अनि मेरो फ्यामिलीबाट पनि धेरै रियाक्ट आयो कि किनभने अब जस्तै कि ठुलो भइसक्यो सुरु अब बिना रिजन जेल किन जाओस् भन्ने सोच हो ड्याडीको, सो अब घर से निकलते बादमा मिल्छ। सो म चाहिँ बसेरबाट काठमाडौँको लागि निस्किसकेँ, सो अब चाहिँ भोलि भेटौँला नेक्स्ट भिडियोमा,
सुझाव दिन नराम्रो कमेन्ट चाहिँ नगरिदिनु होला। बाई बाई, लभ यु अल।